दोस्तों आलू शिमला मिर्च बनाना शायद कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ये बिना प्याज और लहसुन के खास आलू शिमला मिर्च बनाकर देखना। मैंने इसमें एक स्पेशल मसाला बनाया है जो कि आलू शिमला मिर्च का स्वाद ही बदल देगा। इनफैक्ट आप ये मसाला बहुत सारी सब्जियों में डाल सकते हो, तो दोस्तों इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मसाला ही बना लेते हैं जो हमने स्पेशल मसाला बनाना है। उसके लिए मैंने लगभग 1.5 चम्मच जीरा लिया है, साथ में 1 चम्मच आपको यहाँ पर काली मिर्च चाहिए होगी। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर 2 छोटी इलायची ली है और 1/2 चम्मच तक मैंने यहाँ पर सौंफ लिया है। बेसिकली आपने एकदम लो फ्लेम पर यहाँ पर इन मसालों को रोस्ट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली रोस्टेड मसाले का स्वाद ही अलग आता है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको हल्का सा इनको रोस्ट करना है। अब रोस्ट करने के बाद जैसे ही जीरे से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाए, बहुत बढ़िया सी खुशबू आती है भुने हुए जीरे की, जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए फिर आप गैस को बंद कर देना। और अब आपने यहाँ पर डालना है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है 1 चम्मच भर के सूखा हुआ पुदीना। जी हाँ दोस्तों, आप देखना आलू में पुदीने का जो स्वाद है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही अमेजिंग आता है। आप ये मसाला एक बार घर पे बनाओगे ना, सच में आप याद रखोगे। अगर आपके पास घर पे पुदीना पाउडर नहीं है या ड्राइड पुदीना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अमेज़न से बहुत आराम से मिल जाता है, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है। तो अब आपने करना है कि इस मसाले को कूटना है थोड़ा ठंडा करके। इस मसाले में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तक काला नमक भी डाला है। दोस्तों इसमें नॉर्मल नमक बिल्कुल मत डालना, काला नमक ही डालना, क्योंकि काला नमक भुना हुआ होता है, उसका फ्लेवर ही अलग होता है। और 2 चम्मच इस मसाले में हम यहाँ पर डालेंगे धनिया पाउडर और धनिया के पत्ते, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी में। तो अब बढ़िया क्वालिटी का धनिया पाउडर ही इस्तेमाल करना। अब ये तो मसाले की स्पाइसीनेस हो गई, लेकिन चटपटी नहीं है ये, चट करने वाली नहीं है। तो अब इसमें अमचूर जरूर डालना और एंड में मैंने 1 चम्मच तक गरम मसाला डाला है। बस दोस्तों ये है मसाला, आप इस मसाले को एक बार टेस्ट करके देखना और फिर मुझे बताना कैसा बना, बहुत बढ़िया मसाला है ये। खैर अब क्योंकि हम यहाँ पर अपने आलू शिमला मिर्च में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल तो करने ही नहीं वाले, तो मैंने यहाँ पर 3 शिमला मिर्च ली है। मेरे पास छोटे छोटे आलू थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, तो आप देख सकते हो मैंने 6 आलू लिए हैं। लगभग 4 से 5 आलू मीडियम साइज के एकदम काफी होंगे। 1 मैंने टमाटर लिया है, 2 हरी मिर्ची एकदम फाइनली चॉप्ड और अदरक 1.5 इंच तक। जी हाँ थोड़ी ज्यादा अदरक है लेकिन एकदम फाइनली चॉप। ये सब सामान आपको चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम टमाटर को एकदम फाइनली चॉप कर लेते हैं। आलू को आप बड़े बड़े पीसेस में ही काटना और जो शिमला मिर्च है उसको भी आप बड़े बड़े पीसेस में ही काटना, बिल्कुल ऐसे। तो मैं आपको शिमला मिर्च के बारे में कुछ बताता हूँ कि शिमला मिर्च में बेसिकली पानी बहुत होता है और हल्की सी मिठास होती है। अब इसको पकाने के 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप शिमला मिर्च को पहले ही इसको हल्का सा रोस्ट कर लो, उससे प्रॉब्लम ये आती है कि वो तेल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये है जो मैंने किया है कि इसको आप एंड में डालना, लेकिन आप टाइमिंग देखना मैंने कब डाला है। तो फिर देर किस बात की, अब फटाफट से शुरू करते हैं इसको पकाना। इस रेसिपी में दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप करो ही करो, मैं यहाँ पर लोहे की कढ़ाई में इसको बनाऊंगा। दोस्तों हमारी डेली कुकिंग में लोहे की कढ़ाई की बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत ज्यादा। उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है कि उसको धो तेल लगा के रखो, लेकिन जो आप सुबह सुबह खाना बनाते हो, जब सब्जी बनाते हो, क्योंकि मैं भी बनाता हूँ जब, तो उसके इतने फायदे होते हैं क्योंकि वो हैवी बॉटम होती है। आप उसमें चाहे आलू रख दो, कम स्टर करो और साइड में कुछ भी अपना खाना बना लो, दूध उबाल लो, ब्रेकफास्ट बना लो, उसमें आराम से कुकिंग होती रहती है मीडियम लो फ्लेम पर। और मुझे इसकी ये बेस्ट बात लगती है कि आप आराम से 2 चीजें कर सकते हो, 3 चीजें कर सकते हो, जलेगा नहीं, आराम से कुकिंग करता रहेगा। थोड़ा सा मेंटेनेंस में दिक्कत होती है, लेकिन दोस्तों उसके बेनिफिट्स अगर आप कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा है। कढ़ाई में सबसे पहले आपने सरसों का तेल डालना है। सरसों के तेल को ऑब्वियसली कच्चा तेल है तो उसको पहले जलाना पड़ेगा। तो अब इसको हाई फ्लेम पर रखना जब तक इससे काफी धुआं निकलना शुरू नहीं हो जाता, और जैसे ही इससे धुआं निकलना शुरू हो जाए तो आप गैस को बंद कर देना। तो आपने सबसे पहले डालनी है हींग। हींग थोड़ी ज्यादा डलेगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर डाली है काफी सारी अजवाइन। अजवाइन जो फ्लेवर देगी ना इस आलू शिमला मिर्च में, वो सच में इसका लेवल बहुत बढ़ा देगी। अब आपने आलू डालना है इसमें और आलूओं को भुनना शुरू करना है। एक प्लेट आप तैयार कर लेना जिससे हम आलू को कवर करेंगे, अभी तो कवर नहीं करेंगे, पहले इसको रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही। हाई फ्लेम पर मत करना, लो ही कढ़ाई में तो लो फ्लेम पर ही, मीडियम फ्लेम पर ही खाना बहुत बढ़िया बनता है। आप यहाँ पर कोई भी कढ़ाई यूज कर रहे हो, आप आलूओं को आराम से मीडियम लो फ्लेम पर पकने देना, जिससे कि उनमें क्रस्ट निकल कर आती है, हल्की सी क्रिस्पी नोट आ जाता है। मेरे को तो ये कढ़ाई का बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि मैं इसमें छोड़ देता हूँ और आराम से पकती ही रहती है।
अब ये देखो मैंने सारी कुकिंग यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर ही करी है, मैंने हाई फ्लेम पर नहीं करी है। और ऑब्वियसली आराम आराम से पकाएंगे तो खाने का स्वाद ही बिल्कुल अलग आता है। तो अब ये देखो थोड़ी देर में मेरे ख्याल से 5 मिनट मुझे लगे होंगे आलूओं को हल्का सा रोस्ट करने में। अब ये देखो आलू में की जो क्रस्ट है वो भी बहुत बढ़िया निकल कर आती है। मेरे को हल्के से क्रिस्पी आलू पसंद है, पर उनमें क्रस्ट होती है ना तो जो मसाला चिपकता है उसका स्वाद ही कुछ और आता है। ये देखो आप एक क्रस्टी बनने लग गई है ना, बिल्कुल स्टेज तक आपने पकाना है। अब ये राइट टाइम है कि आप यहाँ पर दो मसाले डालो, पहला हल्दी पाउडर दूसरा लाल मिर्च पाउडर। इससे बेनिफिट ये है कि जब आप ऐसे गरम गरम तेल में हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालोगे एक तो रंग बहुत बढ़िया देगी और कच्चापन जो होता है ना एक रॉ स्मेल होती है हल्दी की वो भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब आप यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्च डाल देना, अदरक डाल देना ताकि कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे अदरक में, और इसको भी थोड़ी देर तक रोस्ट कर लेते हैं। ज्यादा देर बिल्कुल मत करना, थोड़ी देर ही करना नहीं तो मसाले भी जलने के चांसेस हो जाएंगे। बस अब आप इस स्टेज पर टमाटर डाल देना। अब आप बोलोगे कि भरत भाई टमाटर इस स्टेज पर? जी हाँ दोस्तों, पहले शिमला मिर्च नहीं डालेंगे, पहले टमाटर डालेंगे। आप देखना क्या फर्क आता है। साथ में आप यहाँ पर टमाटर आए हैं तो नमक तो डाल ही देना। अब टमाटर क्या काम करते हैं, टमाटर पानी छोड़ते हैं। इस रेसिपी में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, ध्यान रहे इस बात का। तो टमाटर ही वो पानी छोड़ देते हैं जिससे कि हमारे आलू भी एकदम गल जाएंगे और खट्टापन भी बढ़िया सा आएगा। तो अब यहाँ पर अभी इसको ढक कर 2 से 3 मिनट तक पकने देना। 2 से 3 मिनट बाद ही आप देखना आलू एक्चुअल में पूरे पक जाएंगे, 2 से 3 मिनट में बिल्कुल दोस्तों। और बस ये राइट स्टेज है कि आप यहाँ पर हमारा जो स्पेशल मसाला था वो डाल देना, साथ साथ आप यहाँ पर शिमला मिर्च भी डाल देना कटी हुई। अब मसाला बिल्कुल अपने हिसाब से डालना, आपको जितना डालना है आप उतना डालना, मैं तो भर भर के डालता हूँ क्योंकि मुझे मसाला बहुत टेस्टी लगता है। तो अब यहाँ पर मसाला डालना, शिमला मिर्च डालना, इसको अच्छे से मिला देना। आलू मैं आपको दिखा दूं, देखो आप आराम से पक चुके हैं, अंदर तक सॉफ्ट हो चुके हैं बिल्कुल। आलू आपके सेट हैं, बस शिमला मिर्च को पकाना है। और एक्चुअल में शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेती क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत होता है ना दोस्तों। अब इसको फिर से ढक कर लगभग 3 से 4 मिनट तक पकने देना आराम से एकदम लो फ्लेम पर। शिमला मिर्च भी बहुत अच्छे से पक जाएगी, लेकिन आप देखना कि वो अपना स्ट्रक्चर भी मेंटेन करेगी। बस एंड में मैंने फाइनली कटा हुआ धनिया डाल दिया है, और लोहे की कढ़ाई है तो मैं तो इसको ढक कर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ ताकि शिमला मिर्च भी गल जाए, सारे मसाले अच्छे से सीप इन हो जाए और सब्जी के अंदर तक फ्लेवर आ जाए। ऐसे ही मैं छोड़ देता हूँ लगभग 10-15 मिनट के लिए, सब कुछ गल जाता है, कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो दोस्तों आप इस शिमला मिर्च आलू की सब्जी बना कर देखना, बहुत यूनिक फ्लेवर आएगा, बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर आएगा जो आपने टेस्ट नहीं किया होगा, और मुझे पता है आपको बहुत पसंद आएगा।